गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक हमारा अभी का जो चैप्टर है इसका नाम है अर्थक्वेक, जो हमारा टॉपिक है। अर्थक्वेक के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि व्हाट इज अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, हमारी धरती की का जो टॉप सरफेस जो है, जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट से बना हुआ है, जब ये मूव करता है, हिलने लग जाती है धरती, इसका जो सरफेस है हिलने लग जाता है, देन दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ओके, सो व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स एंड इट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये हमारी अर्थ है, इसका जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये वाइब्रेट करती हैं, तो इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब बात ये आती है, व्हाई दिस प्लेट्स वाइब्रेट्स, ये वाइब्रेशन क्यों होती है, इसका एक रीजन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का टॉप सरफेस जो है हार्ड है और बहुत ही पतली लेयर है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, चारों ओर की हार्ड सरफेस। धरती के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो मोल्टन होता है, पिघला हुआ मैग्मा, बहुत ही गर्म, जो हमेशा मूव करता रहता है। धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट की वजह से, जब ये मूवमेंट तेज होती है, तो उस मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट जो कि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन। यानी कि जो मोल्टन मैग्मा है धरती के अंदर, उसकी मूवमेंट की वजह से हमारी धरती की जो क्रस्ट है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनमें वाइब्रेशन होती है, एंड दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। समटाइम वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये भी गिर जाती है, धरती भी फट जाती है। समटाइम बहुत ही नॉर्मल होती है कि हल्का सा मूवमेंट हमें महसूस होता है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो देखिए, इस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल, के कितना नुकसान हुआ है या कितना कम हुआ है, ज्यादा, उसका एक स्केल है। उस स्केल में 9 तक, 8 पे 9 का अर्थक्वेक है, 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक है, 8 का है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, अगर 4, 5, 6 का है तो उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती। रिक्टर स्केल पे इसको इसकी तबाही देखी जाती है, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। और इसको कहां से इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। वो क्या चीज होती है जिसके द्वारा अर्थक्वेक का पता चलता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। दो चीजें याद रखनी है हाउ टू मेजर द अर्थक्वेक, एक है सिस्मोग्राफ कि कितना ये जो अर्थक्वेक है कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे अर्थक्वेक आ रहा है, तो पता चलता है सिस्मोग्राफ से, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है या कुछ भी है वो हमें पता चलता है रिक्टर स्केल से। दो चीजें आपने याद रखनी है, रिक्टर स्केल एंड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक के बारे में और जानते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों ही पिक्चर्स में, अर्थक्वेक की शुरुआत धरती के अंदर से होती है, जमीन के अंदर से, मोल्टन मैग्मा जहां होता है उसके अंदर से, जिस जगह से वो मूवमेंट की शुरुआत होती है, दिस इज द प्लेस इन साइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ द अर्थक्वेक इज स्टार्टेड। जैसे कि इस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना मूवमेंट, जहां से ये मूवमेंट की शुरुआत होती है, दैट इज कॉल्ड फोकस, कहते हैं उसको फोकस, उसको बोलते हैं फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, एंड उस फोकस के एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर जो जगह आती है, बिल्कुल उसका जो सरफेस के ऊपर जगह है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्योंकि उस मूवमेंट का, मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन यहां पे सबसे ज्यादा होगी, फोकस के एग्जैक्ट सरफेस के सामने पास, जिस जगह पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ये देखिए, ये है फोकस, बिल्कुल उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ये है एपिसेंटर। ऐसे ही यहां पे, ये है फोकस, इसके बिल्कुल ऊपर ये है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या होता है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर।
वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर दूर जाते रहते हैं, उन वेव्स की जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो कम होती जा रही है, डिस्ट्रक्शन भी वहां पे कम होती है। और समटाइम एक और भी चीज है जो आम मानी जाती है कि जब अर्थक्वेक आना होता है तो उस समय ये भी देखा, स्टडी की गई है कि एनिमल्स का बिहेवियर बदल जाता है। जैसे फिशेस पॉन्ड्स में है, उनका बिहेवियर अलग हो जाना, स्नेक्स कम्स टू द सरफेस, तो इस तरह से इनको कुछ जानवरों को पहले ही पता चल जाता है, ये बात मानी जाती है। ओके, तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। आई थिंक अब इसके बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। था हमारा टॉपिक, हमने भी पढ़ा।